सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज हम एक बार फिर से उमरा गांव में हैं, पहलवान डेयरी फार्म पे। ये कोच साहब की जोटी है, हम आपको एक बार दोबारा दिखा रहे हैं। हमारा दोबारा दिखाने का कारण ये है कि बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी कि आप इसको डिलीवरी के टाइम दिखाएं, कि जब ये डिलीवरी या बच्चा दे दे या उससे पहले आप हमें दिखाएँ। तो इस कारण से हम इसकी वीडियो दोबारा बना रहे हैं और आपको ये दोबारा दिखा रहे हैं। जोटी जो 5 दिन पहले हमने वीडियो आपको दिखाई थी, उस वीडियो में और इस वीडियो में जोटी के अडर का काफ़ी फ़र्क है। अभी अडर काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग उस वीडियो से आज डबल हो गया अडर। तो और भी हम इसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचे, उसकी आपको जानकारी मिले, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो भी हमारी वीडियो को पसंद करते हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो। ये देखिए अभी जोटी बड़ी शानदार जोटी बनी हुई है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये बच्चा दे देगी। हम आगे वीडियो में जो इसने बच्चा दिया है वो भी दिखाएंगे, और बड़ी शानदार जोटी है। देखिए ऑर्डर काफ़ी बढ़िया, थनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, बहुत ही बढ़िया जोटी है। ये हमारी वीडियो देख के आए हुए हैं भाई साहब पेवा से। क्या नाम है भाई साहब? संधू फार्म। कोच साहब की जोटी देखने के लिए आए हुए हैं। तलवार साहब हैं, वकील साहब। वकील साहब आप भी पेवा से हो? पेवा से जी, सोनू तलवार। सोनू वकील साहब YouTube पे हमारी वीडियो देख के कोच साहब के पास आए हुए हैं भैंस देखने के लिए। कोच साहब कौन से बुल से प्रेग्नेंट करवा रखा है जोटी को आपने? ये शेरू उमरा से ही प्रेग्नेंट है। अच्छा, शेरू से ही प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि शेरू बहुत ही बढ़िया बुल था कोच साहब के पास, जो आंध्रा में शायद राजीव सरपंच के फार्म पे गया है। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें रेट के बारे में नहीं बताया था, तो आज हम कोच साहब से रेट के बारे में भी पूछेंगे। कोच साहब क्या रेट रखा है जोटी का आपने? इसका जी 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये रेट रखा है कोच साहब ने, बहुत ही शान। क्योंकि पहले भाइयों के बहुत से ये डाउट थे, बहुत सारी कॉल आई। हाँ हाँ जी, प्राइस क्या रखा है इसका? हाँ हाँ, तो आज वीडियो के माध्यम से बताई देते हैं। इसका सेल करने वाला प्राइस 7 लाख रुपये है। हाँ हाँ, और पीछे मैंने कहा भी था कि 25 लीटर प्लस रहेगी, आज देख सकते हैं। हाँ हाँ, ऑर्डर से 25 तो मैंने वैसे कहा था, मैं उम्मीद तो इससे 28 लीटर तक की कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि उतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितना पशु देश के। बिल्कुल, तो इसके साइज को देखते हुए आप देख रहे हैं सभी। हाँ हाँ, 28 लीटर की उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो ये रेट बताने का एक मकसद ये भी है, कई बार आदमी को 1 लाख रुपए वाला पशु लेना होता है और वो फ़ोन किए जाता है कि रेट बताओ जी, रेट बताओ। तो आज डाउट क्लियर हो गया है कि कितने पैसे की जोटी कोच साहब ने देनी है। तो जो भी इतने पैसे की जोटी लेना चाहता है वही फ़ोन करे कोच साहब के पास। ये देखिए अभी ये थोड़ी देर में बच्चा दे देगी, और उसके बाद हम दिखाएं भी गए आपको इसने क्या दिया है। बहुत ही शानदार जोटी है ये। इस जोटी का बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी शानदार जोटी है। हमें शब्द नहीं मिल रहे ढूंढे कि हम इसके बारे में आपको कैसे बताएं। बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर जोटी है, और बहुत ही अच्छे फार्मर हैं कोच साहब, काफ़ी अच्छे पशु रखते हैं, बहुत ही बढ़िया पशुओं का इनको शौक है। और ये मैंने पहले वीडियो में जैसे आपको बताया था, अखाड़ा भी है इनका साथ में। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया अडर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी काफ़ी शानदार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जोटी ने कटड़े को जन्म दिया है, बहुत ही हेल्दी कटड़ा दिया है। ये देखिए शेरू का कटड़ा है, ये बहुत बढ़िया कटड़ा है, लंबाई ऊँचाई काफ़ी अच्छी है कटड़े की, बहुत भारी बच्चे को जन्म दिया है। सभी भाई जो भी वीडियो बाहर से देश विदेश से देख रहे हैं, सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।